हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी हो रहे हैं दिन के 2 और आज मैं अपने नानी घर पे हूँ। वो दिख रहा होगा, ये मेरा घर नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे बड़े नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो वो गाँव में रहते थे। मैं गाँव गया था, तो वहाँ से मैं नानी घर पर आ गया हूँ, क्योंकि मेरी मौसी हैं तो वो दूर रहती, तो वो आ नहीं पाती हैं, तो वो भी रुकी हुई हैं, तो हम भी रुक गए हैं कुछ 2-4 दिन। तो बहुत दिन हो गया व्लॉग नहीं बनाया था, लेट हो गया है, तो आज मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ये मेरे नानी का घर है, मैं कल ही आया हूँ। चलो देखते बाहर और लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स गो। क्या हो गया? दिखाओ, लग गई आयो। अरे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसके लग गई होट में। अरे वाह, अमरूद। चलो 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 आ जाओ। हाँ नहीं गिरेगा, आ जाओ चलो। हाँ नहीं गिरेगा, यहाँ की कुछ ऐसी छत है। एक आ जा रही, गिर जाओगी। क्या हो गया, कहाँ लग गई थी, कहाँ लगी थी? अच्छा जाओ खेल लो, खेल लो जाओ। मेरे पीछे अमरूद का पेड़ लगा है, बहुत सारे अमरूद लग भी रहे हैं। कौन है? ये लगे देखो, कौन है? ये लगे हैं। और ये मेरी मामा की लड़की है, और ये मेरी मौसी का लड़का है। अरे बहुत अमरूद लगे हैं। आप देखिए यहाँ पे कितने अमरूद लगे हैं, वहाँ लगे देखो, कितने सारे अमरूद लगे हैं। बहुत भयंकर अमरूद लगा है इसमें तो। देख सकते हैं आप कितने कीड़े आ रहे हैं उसमें, कीड़े। अच्छा चढ़ मत, नीचे 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 गिर पड़ेगा। करंट आ जाएगा, मत करो। चप्पल नहीं पहन गया, चप्पल है। चलो ऊपर वाली छत पे चलते हैं, इससे ऊपर एक और छत है। अरे तुम मत आओ, उसको देखो वो ऊपर आ जाए। अरे वो आ जाएगा फिर मुड़ेगा। तुम भी जिद्दी बन गई हो, क्या करे, सब बच्चे जिद्दी होते हैं, हम भी थे कभी। ओ मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये पूरी छत बनी है, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है पूरा। पूरा मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ से व्यू देखिए कितना मस्त व्यू है। यहाँ पे एक और अमरूद का पेड़ लगा है। एक्चुअली यहाँ पे अमरूद अमरूद के बहुत पेड़ हैं, सबके घर पे आपको मिलेगा। वो लगा है, वो लगा है, वो लगा है, वो लगा है, वो लगा है। और सामने आपको दिख रहा होगा शायद से फॉग है, वो फोर्ट है ग्वालियर का, वहाँ है मेरा घर। सामने आपको दिख रहा होगा वो है, पूरा फॉग की वजह से रुक गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी अमरूद तोड़ रहे हैं, मम्मी और मौसी। ये तो यहाँ पे उमड़ उदम कर रहे हैं, मैं यहाँ से उतर रहा हूँ बड़े धीरे धीरे। मम्मी, माँ, अमरूद अच्छे। अरे एक आ रहा, चल नीचे, चल नीचे, चलो नीचे। मासी पकड़ो इसको। क्या है, कीड़ा निकल गया? अरे कीड़ा निकल गया, अरे मेरे हाथ पे लग गया। अरे भाई क्या हो गया, जी तेरी निकलता आते हैं, क्या हो गया। एक अपन भी तोड़ लेते हैं, आ जा। टूट ही नहीं रहा, टूट गया, टूट गया। तोड़ दो उसको मम्मी, तोड़ दो। कच्चा है ये, कच्चा है तो क्या, दे दो ना प्लीज। मम्मी और मौसी यहाँ पे अमरूद तोड़ रही हैं, खूब अमरूद लगे इसमें, इतने सारे। मम्मी बहुत सारे है ना, कहाँ है, कहाँ है? ओ भाई साहब कितने बड़े बड़े अमरूद हैं। अब इसको तोड़ते हैं, टूट गया, टूटता जा रहा है और गिरता जा रहा है। एक वो लगा है, क्या कर रहा है ये आयु? ए क्या कर रहा है, किच पिची? रुक तो जा, गिर जाएगा, रुक जा, गिर जाएगा।
गाइस हमने अभी कितने अमरूद तोड़ लिए हैं और 2 जर खा भी लिए हैं। मतलब बहुत लगे हैं पर अभी कुछ छोटे हैं और कुछ दूर दूर लगे हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो तोड़ेंगे। अभी तो 2-3 दिन हैं यहाँ पे। तो अभी 6:30 बज चुके हैं और हमें लग रही भूख, इसे भी लग रही है, और ये मेरी मौसी की लड़की है तो हम बनाएंगे मैगी। मैं बनाऊँगा, ये तो उसको बनाना नहीं आता। मुझे आता है, आता है? हाँ। पर मैं ही बनाऊँगा, वो ढंग से नहीं बना पाएगी। चलो चलते हैं। तो आज मैं आपको मैगी बनाना भी सिखा दूँगा। पहले आपको 2 पैकेट मैगी चाहिए होगी, हम 2 लोग हैं इसलिए पहले मैं फाड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मैगी को अनरैप कर लिया और मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिए और एक मिर्ची काट लिया। यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है, इसको चालू करते हैं। गैस चालू हो चुकी है, अब पानी डाल लिया है। अब उसने बस थोड़ा बॉईल के लिए रखा हूँ, गैस को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, तो हम अपनी मैगी डाल देंगे। फिर जब मैदी आधी पक जाएगी फिर अपन ये डाल देंगे, फिर अपन मसाला डाल देंगे। यहाँ पे मैंने मैगी डाल दी है अपने उसमें कढ़ाई में। अब इसको थोड़ी 50% अब तक बन रही है, तब तक उसको उबलने देते हैं, फिर अपन ये डालेंगे, फिर अपन मसाला डालेंगे। सो ये मैगी मेरी 50% को हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं मसाला, टेस्ट मेकर। अब इसमें थोड़ा नमक और मिर्ची डाल देते हैं। पहले मैं डालूँगा थोड़ी सी हल्दी, जिससे थोड़ी पीली पीली हो जाएगी। फिर डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि अपन के पास वो भी मिर्ची है ना, ये वाली मिर्ची भी है। फिर थोड़ी सी नमक, फिर तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये गिर गया। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone, even though it's been unspoken so long. सो गाइस हम यहाँ पे मैगी बना रहे थे, तो आज ट्यूसडे था तो नाना जी यहाँ पे सुंदरकांड कर रहे हैं, हर ट्यूसडे को करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ विद्वान है और नाना जी यहाँ पे मस्त अपना सुंदरकांड कर रहे हैं, उनको तो याद भी हो गया है। चलो उन्हें करने देते हैं, अपन बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, अब मैं मम्मी से इसको प्लेट्स में डलवाऊँगा। यहाँ पे हम दोनों की मैगी आ चुकी है, ये इसकी है, ये मेरी है। तो अभी हम इसको खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत मन कर रहा है ना, चलो खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज मैंने मैगी खा ली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। पहली बार मैंने, मतलब पहली बार नहीं, कई बार बना चुका हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि मैं उसमें सब डाला था, टमाटर, मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, सब धनिया सब डाला था, इतनी टेस्टी हो रही थी। तो अभी बज रहे हैं आपके 7:40। अभी बस मौसी आई हैं बाहर से, वो कहीं बाहर गई थी तो आए हैं, अभी आएंगे फिर हम सोएंगे, खेलेंगे। क्योंकि मौसी की लड़की आई है, एक और मेरी 2 मौसी हैं, ठीक है। एक मौसी यहाँ आगरा में रहती हैं, एक भिंड में रहती हैं, भिंड वाली तो थी। और जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा, मेरी मामा की लड़की थी, उसकी ट्रेन थी आज, वो चली गई। आपने देखा होगा कि मैगी वो नहीं खा रही थी, वो चली गई थी, ठीक है। तो उस समय मैंने खाना खा लिया तो उसमें बना नहीं पाया था, तो अब जब भूख लगी थी तो खा बना ली, वो चली गई। वो उसको वाली तो उसके लिए हमने छोड़ दी थी, तो वो भी खा रही है, बस मस्त है। तो यहाँ पे आई हूँ खाना खाते हुए, मौसी खिला रही हूँ उसको और फोन देखते हुए। क्या खा रहा है? उपमा। आयु देखो फोन के आगे किसी की नहीं सुनता है। तो अभी 10:30 बज चुके हैं और अभी तक तो मैंने खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही भाई। मैगी खा ली, कई की भूख लगती है अब, बट मैं एक रोटी खाऊंगा क्योंकि मैगी से इतना पेट नहीं भरता। तो अभी बस मम्मी खाना परस रही है और मैं खाऊंगा, भूख लग रही है। किसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत कम सब्सक्राइबर, थोड़े बढ़वा देना।
सो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।